आज हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करते हैं, यानी पासवर्ड से सुरक्षित कैसे बनाते हैं। आपने कोई टेबल तैयार की है या आपने कोई काम किया है, आप उसे दूसरों से छिपाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके अलावा और भी कोई व्यक्ति उस पर काम करे। इसके लिए बहुत से लोग फोल्डर लॉक जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप बिना किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के यूज़ किए एक्सेल की फाइल को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एज पर जाइए। ये फाइल हमने पहले से सेव की हुई है इसलिए हम इसे सेव एज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नई फाइल को सेव करेंगे तो उसी समय आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो सेम ऐसा ही विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आप फाइल का नाम देंगे और सेव करने से पहले आप इस टूल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टिक कीजिए। एक विंडो ओपन होगी जिसमें पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पासवर्ड टू ओपन वाले में पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि केवल फाइल खोलने के समय ही एक्सेल पासवर्ड मांगे तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति फाइल तो खोल ले लेकिन उस पर कोई काम ना कर पाए, काम करने के लिए अगर वो कोई भी ऑप्शन चूज़ करे तो वो फाइल पासवर्ड मांगे, तो आप पासवर्ड टू मॉडिफाई को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर दोनों में पासवर्ड डाल देंगे तो पासवर्ड खोल फाइल खोलते समय भी एक्सेल पासवर्ड मांगेगा और अगर उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो भी एक्सेल पासवर्ड मांगेगा। तो आप अगर दोनों में ये पासवर्ड भर देंगे तो आपका एक्सेल की जो फाइल है वो डबल सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है, ऑलवेज क्रिएट बैकअप। अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं तो आपकी फाइल का एक बैकअप जितना भी आप काम करते जाएंगे हमेशा तैयार होता रहेगा। आप यहाँ पर पासवर्ड न भी भरें तो भी ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी एक बैकअप फाइल आपके फाइल के साथ साथ तैयार होती रहेगी। अगर किसी वजह से आपकी एक्सेल की फाइल डिलीट भी हो जाती है तो आप बैकअप से उसको वापस ले सकते हैं। बैकअप कितने कितनी देर बाद तैयार करना है, कैसे तैयार होना है, इसके और भी ऑप्शन हैं, इसको हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, दोनों में पासवर्ड डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। एक बात याद रखिए कि अगर आपने ऐसा पासवर्ड डाला है जिसे आप भूल गए हैं तो आप भी इस फाइल पर कभी काम नहीं कर पाएंगे, यह पासवर्ड कभी रीसेट नहीं होगा। तो ऐसा पासवर्ड डालिए जो आपको याद रहे। पासवर्ड डालने के बाद में जब आप ओके करेंगे तो आपसे एक बार दोबारा और पासवर्ड पूछे जाएंगे, तो आप एक बार और पासवर्ड डाल दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए। पहले हमने पासवर्ड टू ओपन को कन्फर्म किया था और अब हम पासवर्ड टू मॉडिफाई को कन्फर्म कर रहे हैं। आप इन दोनों पासवर्ड को अलग अलग भी रख सकते हैं, यानी पासवर्ड टू ओपन में जो पासवर्ड है वो अलग हो सकता है और पासवर्ड टू मॉडिफाई का जो पासवर्ड है वो अलग हो सकता है, और अगर आप चाहें तो उसको सेम भी कर सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए और फाइल को सेव कर दीजिए। ये हमने फाइल सेव कर दी। अब अगली बार जब हम इस फाइल को खोलेंगे, रिजल्ट टू नाम की ये फाइल है, अगली बार जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल पासवर्ड मांगेगी। अब हम दिखा देते हैं ये किस तरीके से होगा। ये देखिए, जब मैंने इस फाइल को खोला तो ये पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। अब ये कह रहा है रिजल्ट टू ओपन तो हो गई है, लेकिन आप इसको जो है कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं या सिर्फ इसको रीड ओनली रखना चाहते हैं, यानी सिर्फ देखना चाहते हैं। तो रीड ओनली पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप फाइल को खोल तो सकते हैं, लेकिन इसमें जब कोई चेंजेस करके आप इसको सेव करना चाहेंगे तो ये फाइल पे एक एरर आएगा, ये कहेगा कि ये फाइल सिर्फ रीड ओनली है, यानी कि आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों पासवर्ड डाल देते तो इसमें चेंज भी कर पाते। आज का ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम बताएंगे कि आप अपनी एक्सेल की फाइल का बैकअप कैसे तैयार कर सकते हैं और उस बैकअप की टाइम ड्यूरेशन आप कितनी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।